अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम आपका वरीशा खान के ब्लॉग्स में। तो मैंने मॉर्निंग से ही अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ मैं मतलब सुबह की मैंने चाय नाश्ता मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद में मैंने फिर बच्चों को जो है नाश्ता बनाकर दे दिया था। ये हमारा 10-11 बजे का टाइम का नाश्ता है। तो यहाँ मैं बच्चों को पराठे वगैरह बनाकर दे देती हूँ। तो जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनका हाथ जो है मतलब काफ़ी हद तक जो थोड़ा ठीक हो गया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप थोड़ी बहुत जो है गाड़ी अपनी चला कर देखो। तो आज ही माशाल्लाह से अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं लेकर। उसके बाद में ऊपर छत पर आ गई थी मैं। तो ये मेरी पालक है, दो गड्डी मैंने पालक की ली है और एक जो है मेथी की गड्डी ली है। तो ये मैं दोनों मिक्स करके इनको काट लूँगी और ये मेथी पालक जो है मैं इसको काट लूँगी गट्टी लगाकर, क्योंकि चारों में जो है चने का साग, मेथी पालक और जैसे हरी सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं मेथी पालक जो है वो मीट में बना लेती हूँ। तो यहाँ इजानी है जो है छत पर मस्ती कर रहे थे, कह रहे थे लेकिन मुझे वीडियो अपनी बनाने नहीं देता है, बहुत शर्माता है ये। बस कभी कभी मैं इसके छक्के से बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं अपनी सब्जियाँ काट रही हूँ और फटाफट से हम सब्जियाँ काट लूँगी और फिर उसके बाद चल देंगे हम नीचे हल्दी पाउडर खाना बनाने। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, देखिए गोश्त जो है वो अच्छे से मसाला भून गया है गोश्त के अंदर। मेथी डालने आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यही चीज़ें मैंने डाली थी इसमें। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मेथी पालक डाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ तो आएगा नहीं इसमें। अब ये है कि इसमें एक साथ डालना भी बड़ी मुश्किल की बात है। अब ये कि थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसको पकाती जाऊंगी, ताकि क्योंकि ये जब ये पानी छोड़ता है पालक और मेथी तो ये ज़रा सा हो जाता है और ये बन के वाकई में बहुत थोड़ा सा हो जाएगी सब्ज़ी। तो ये मैं मिर्च दिखा रही हूँ कि मैं 6-7 में इसमें मिर्चें लाऊँगी। और इजहान की देखी मैं कह रही हूँ कि ये इजहान देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, मुझे बहुत परेशान करता है। जब तक मैं किचन में रहूँगी तो मेरे साथ ही साथ ये किचन में ही रहेंगे, और अगर कमरे में बैठ भी जाएंगे कार्टून लगाकर तो उसके बाद भी फेरे लगाते ही रहेंगे किचन में बार बार। यहाँ मैं इजान से कह रही हूँ इजान मिर्च ना आए, तो इजान मिर्च ला कर दे रहे हैं कि फ्रिज में है मम्मी। देखिए इजान आपको ये वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। तो जी मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट था तो वो भी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का अपना पेस्ट जो है वो मैं बना के रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि ये होता है कि मैं अगर ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है रखा हुआ बना हुआ होता है तो एकदम से जो है सब्ज़ी बनाने में आसानी रहती है। वैसे फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, मैं ये एक हफ्ते का ही मैं पीस कर रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और ये ख़राब भी नहीं होता है, आप चाहे तो इसको पीस कर पेस्ट बना कर रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके।
तो जी ये सारे काम हो जाने के बाद में मैं आ गई थी अपनी फ्रिज में, क्योंकि मेरी मुझे लग रही थी ये फ्रिज में कई दिन से मैं सोच रही थी कि मैं आज फ्रिज साफ़ करूँगी, लेकिन बस ये कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज चलो इसको भी आज साफ़ कर लिया जाए। तो मैं फ्रिज का सारा सामान मैंने निकाल दिया था, और मैं फ्रिज को जो स्क्रब होता है तो उसकी वजह से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो जी ये मेरा डबल डोर का फ्रीज है, वर्लपूल का। तो ऊपर वाला जो है फ्रीज़र देखिए वो भी बिल्कुल वो क्लीन ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के कि ये बर्फ़ का है नीचे जमाने का, और ऊपर जो क्यूब्स होते हैं वो ये उसके लिए है ऊपर। तो बस इतना बड़ा मेरा ये फ्रीज़र है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद में मैंने जब इसको साफ़ कर लिया था, असल में क्या है मैं ये न्यूज़पेपर लगाती हूँ, तो वैसे मैंने ये मैट चल रही न्यूज़पेपर है, इसमें लगा दिए लेकिन थे। मैंने तो ये न्यूज़पेपर लगा का रही हूँ, आइडिया मेरे ही मैं इसमें था, ये न्यूज़पेपर क्योंकि ही यूज़ इसके लिए तो करूँगी। मैट आप भी आती है, मतलब आप आप मैट भी यूज़ कर लगा सकते सकते हैं, हैं लेकिन मैं इस इसमें तरह से, न्यूज़पेपर अगर भाई मैट अगर नहीं है कोई तो आप चीज़ अगर न्यूज़पेपर गिरती भी है यूज़ तो कर आप सकते हैं, फ्रिज इसमें में लगा वो सकते गंदी हैं। नहीं होती अगर है, जैसे ये है कि हम कोई सामान ये रखते रह हैं, कुछ भी के मैं इसमें रखती थी तो दूध वगैरह भी रखती तो वो छलक जाया करता था, या इजहान भी घुसते हैं इसमें तो कुछ गिरा देते हैं। तो न्यूज़पेपर ये है कि अगर गंदा हो जाता है तो मैं उसे दोबारा दूसरा लगा देती हूँ। तो ये फ्रिज में न्यूज़पेपर लगाने का आइडिया आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ मेरी देखिए मेथी पालक का लास्ट लुक, मेरी सब्ज़ी हो गई थी तैयार। ये और मेथी पालक आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और यहाँ देखिए आप ईशान की मस्ती और उनकी बातें। तुम स्कूल कब जाओगे? हैं? परसों को जाओगे? अच्छा इधर तो देखो, सलाम तो करियो, इधर देखो। ये नहीं, ऐसे नहीं करते। स्कूल में क्या क्या लेके जाओगे? क्या क्या लेके जाओगे स्कूल में? टिफिन, लंच बॉक्स लेके जाओगे? टिफिन और बैग लेके जाओगे? और स्कूल जाओगे? पहले बोतल तो रखो नीचे। अच्छा बैग बैग कहाँ से लाओगे तुम? मंडी से लाओगे बैग? मंडी में मिलता कोई से वो बैग तो वहाँ मिलता है ना, मार्केट में। मार्केट में बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। अच्छा एक कहाँ है चोट? ये लग गई थी तुम्हारे, कब लगी थी ये? परसों? लग तो बहुत पुरानी रही। अच्छा दुआ कैसे मांगी थी तुमने पापा के लिए? किसका हाथ सही कर दो? किसका